हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। आप लोग कैसे हो कमेंट में ज़रूर बताना। आज का ब्लॉग मैं यहीं से स्टार्ट करने जा रही हूँ। काफ़ी दिनों से मैं कोई ब्लॉग नहीं बना रही थी, तो मैंने सोचा क्यों नहीं आप लोग से मैं बातें कर लेती हूँ। तो सुबह में हमारे सारे काम कंप्लीट हो गए थे और इस समय बज रहा है 8:30 हो रहा है। तो आज मैं 6 ही बजे उठ गई थी और थोड़ा छत पर चली गई थी, क्योंकि हमारे कुछ पेड़ थे ना, वो भी है ना, मुझे ठीक ठाक करना था, क्योंकि काफ़ी पत्ते सूखे पड़े हुए थे, तो उसे मैंने निकाल कर फेंक दिया। और इधर मैं उसके बाद मैं चली गई स्नान करने के लिए। तो स्नान करके जस्ट मैं आई हूँ, उसके बाद पूजा की हूँ और फिर आप लोग से मैं बातें करने में लग गई हूँ। तो काफ़ी दिनों से है ना, मन में मेरे आ रहा था क्यों नहीं कुछ नया डिश बनाऊँ। तो है ना, रात ही में मैंने सोच डाला था, तो इसीलिए आज मैं जा रही हूँ बनाने के लिए। तो कल मैं बनाने जा रही हूँ छोले और भटूरे। तो काफ़ी दिनों से लग रहा था मुझे कि नहीं बनाना चाहिए बनाना चाहिए, और घर में सभी लोग बोल भी रहे थे, तो इसीलिए मैंने कुछ तैयारियाँ रात में कर ली थी और कुछ मैं अभी करूँगी। तो छोले को मैंने क्या किया था, रात ही में पानी में भिंगो कर रख दिया था और फिर उसे मैं सुबह में ही मैं बॉयल कर लिया था, तो इससे मुझे आसान भी हो गया। और इधर जितने भी सब्जी थे तो कल मैंने धो धा कर और धूप दिखा कर अभी तक मैं सब्जियों को उसी तरह से धो धा कर रखती हूँ और धूप उसमें दिखा लेती हूँ और तभी मैं फ्रिज में रखती हूँ। तो यही सब काम था। और इधर आप लोग से है ना, काफ़ी दिनों से लग रहा था कि मैं आपके फेस टू फेस में बातें नहीं कर पा रही थी, तो इसीलिए आज मैं सोचा कि कर ही लेती हूँ। तो इधर मैं कल मैं मार्केट गई थी और मार्केट गई तो काफ़ी सब्जियां मैंने लेकर आई हूँ और सब्जी काफ़ी सस्ते भी हो गए हैं और कुछ महंगे भी हैं। तो मुझे सस्ते लगे तो मैंने वो सामान ले लिया है। और उसके बाद मैं चली गई थी मॉल, तो उसमें भी मैंने मार्केटिंग की थी। तो मॉल गई तो मुझे है ना 1.5 घंटा है ना लग गया उधर भी। और उसके बाद मेरा जितना भी कल का जो काम था मार्केट का, वो सारा कंप्लीट हो गया। और उधर मैं 1.5 घंटा तो हमारा समय तो लग ही गया था, मगर बहुत सारे सामान जो है ना घर में नहीं थे तो मैं ले आई। इसे लाने में है ना कोई मुझे दिक्कत भी नहीं हुआ और ना कोई परेशानियां हुई, इसलिए कि है ना काफ़ी भीड़ भी नहीं थे और इसीलिए है ना थोड़ा आजकल बचाव कर ही के जाना होता है मार्केट। तो इसीलिए मुझे बहुत खुशी हुई कि नहीं मैं कल गई अच्छी तरह से और अच्छी तरह से लौट भी आई, क्योंकि काफ़ी उतने भीड़ भी बाहर नहीं थे और उससे कोई परेशानियां भी नहीं हुई। तो आप लोग से बातें हो गई हमारी, तो मैं चलती हूँ अब किचन में और क्या क्या तैयारियां की हूँ पहले से उसके बारे में मैं बताऊँगी। और जितने भी है ना इसमें जो सब्जी पड़ेंगे वो चीज़ मैं निकाल कर रख ली हूँ और किचन में चलती हूँ और मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में। तो इधर मैंने एक मीडियम साइज का है ना शिमला मिर्च मैंने लिया है, इसे भी मैंने काट लिया है। और इधर 2 मैंने प्याज लिया है, इसे भी मैंने काट लिया है। और एक टमाटर और हरी मिर्च और अदरक, और एक तरफ मैंने छोले को भी रख लिया है बॉयल कर कर, तो इससे मुझे आसान हो गया। और इधर हमारे जितने भी सामान जो मुझे ऐड करना है इसे अच्छी तरह से मैं काट लूँगी, और इसे मैंने पहले ही से धोकर रख लिया था। तो इधर मेरा प्याज भी कट गया, शिमला मिर्च भी कट गया और हरी मिर्च भी कट गया, इधर धनिया का पत्ता भी मैं काट रही हूँ और इधर मैं अदरक को भी चॉप कर लूँगी। तो इधर हमारा कट कर बिल्कुल तैयार हो गया है सब्जी। तो इधर मैंने प्याज को भी अच्छी तरह से काट लिया है, हरी मिर्च को भी मैंने काट लिया है, सब चीज़ को मैंने काट कर एक ट्रे में मैंने रख लिया है। और इधर बॉयल किया हुआ छोले हैं तो इसे भी मैं साइड कर लूँगी।
तो एक तरफ मैंने तेल को अच्छी तरह से गरम कर लिया है और इसमें ज़्यादा कुछ मैंने ऐड नहीं करूँगी। तो इसको है ना सिर्फ तेज पत्ता मैंने डाला है और उसके बाद मैं हींग डालूँगी और मेथी दाना डालूँगी और इसे अच्छी तरह से मैं फ्राई कर लूँगी। तो ये अच्छी तरह से फ्राई होने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी खड़े मसाले जो होते हैं, जैसे मैं इसमें ऐड करूँगी छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, दालचीनी, यही सब मैं ऐड करूँगी। और उसके बाद ग्रीन चिल्ली को मैंने ऐड करूँगी। तो ग्रीन चिल्ली इसलिए मैं ऐड करती हूँ, उससे है ना टेस्ट भी है ना काफ़ी अच्छा लगता है खाने को, तो इसीलिए मैं उसे भी 10-15 पीस है ना मैंने काट लिया था, तो इसे भी मैं ऐड कर दूँगी। और इसे 1 मिनट तक इसी तरह मैं चलाती रहूँगी और उसके चलाने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी प्याज। तो अभी तो मैं इसे चला लेती हूँ धीरे धीरे। तो ये अच्छी तरह से फ्राई हो गया है, अब मैं इसमें ऐड करूँगी प्याज ज्यो। तो कल मैं मार्केट गई थी तो मुझे है ना कुछ चमाने ऐसे थे कि है ना देखने में बहुत खूबसूरत लग रहे थे, तो मुझे लगा कि मैं ले लूं, पर मैंने क्या क्या लिया है तो इसके लिए आप लास्ट तक ये वीडियो देखते जाइए। तो इधर मैंने प्याज को भी है ना ऐड कर दिया है और इसे अच्छी तरह से मैं फ्राई कर लूँगी। और इसके बाद है ना मुझे क्या डालना है, अदरक और लहसुन का मैं पेस्ट डालूँगी। उससे पहले इसमें मैं पानी को ऐड करूँगी क्योंकि हमारे जितने भी मसाले मैं ऐड करूँगी उससे पहले ये मसाले जलेंगे नहीं, इसीलिए मैंने पानी को भी ऐड पहले किया है। तो इधर मैंने डाला है सारे मसाले मैंने डाल दिए हैं और इसे मैं अच्छी तरह से धीरे धीरे इसी तरह से चलाती रहूँगी और मसालों को अच्छी तरह से पकने दूँगी और ये पकते जाएंगे धीरे धीरे और अच्छी तरह से इसे मसाले को फ्राई भी कर दूँगी। तो ये अच्छी तरह से फ्राई हो रहा है और इसके स्वाद के अनुसार है ना मैंने इसमें नमक को भी ऐड कर दिया है और इसमें मैं ऐड करूँगी चॉप किया हुआ अदरक। इसे भी मैं अच्छी तरह से चला लेती हूँ और इसके बाद मैं ऐड करूँगी छोले। छोले जो मैंने बॉयल पहले से करके रखा था उसे भी मैं ऐड कर दूँगी और उसके बाद मैं इसमें शिमला मिर्च को ऐड करूँगी। तो इसी तरह से इसे है ना मिक्स करना है और इसी तरह से धीरे धीरे इसका मसाला को अच्छी तरह से पका लेना होता है। तो इसका मसाला अच्छी तरह से पक जाएगा तो है ना इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। और मसाला है ना किसी भी सब्ज़ी का है ना मसाला अच्छी तरह से फ्राई होना चाहिए और अच्छी तरह से है ना पक जाना चाहिए, तभी सब्ज़ी का टेस्ट अच्छा लगता है। तो इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा पानी और उसके बाद मैं ऐड करूँगी इसमें टमाटर, हरी मिर्च। तो फिलहाल तो मैं इसे 2 मिनट तक इसी तरह से चलाती रहूँगी, तभी उसके बाद मैं इसमें टमाटर को ऐड करूँगी। तो इधर हमारा 2 मिनट तक इसे मैंने चला लिया है तो इसमें मैंने टमाटर को ऐड किया है और धनिया पत्ता को। तो ये अच्छी तरह से फ्राई हो गया है, सिर्फ इसे मैं 10 मिनट तक और इसी तरह से चलाती रहूँगी और इसकी अच्छी तरह से ये मसाला पक गया है और फ्राई भी हो गया है। तो इसे मैं एक तरह से है ना इसे मैं क्या करूँगी कुकर में डालूंगी और एक सीटी लगा दूंगी और ये बनकर बिल्कुल इसी तरह है ना रेडी हो जाएगा। तो काफ़ी टेस्टी बना था और खाने में काफ़ी अच्छा लग रहा था, सभी लोग कह रहे थे। तो मैं जब भी छोले बनाती हूँ ना तो इसमें ज़्यादा मसालों को ऐड नहीं करती हूँ, ज़्यादा मसाला डालने से क्या होता है इसका टेस्ट भी अच्छा नहीं लगता है और सब्जी बनकर बिल्कुल अच्छा नहीं बनता है। हो सके तो मसाले हमेशा कम डालें और इसे ज़्यादा ग्रेवी भी नहीं रखना चाहिए। तो ये बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है और इधर हमारा आटा भी तैयार हो गया है। तो इसे मैं 2 मिनट तक इसी तरह चलाती रहूँ, सॉरी इसे इसी तरह है ना आटा को
मिलाकर इसे मैं 2 मिनट तक इसी तरह से मिलाऊंगी और इसे 15 मिनट के लिए इसे ढककर रख दूंगी। जो ये अच्छी तरह से इसका आटा तैयार हो गया है और इधर हमारे भटोरे भी तैयार हो गए हैं, तो सभी लोग को मैं बनाकर इसी तरह से निकाल रही हूँ फ्राई कर कर और सभी लोगों को मैं दे रही हूँ, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इसके साथ मैंने दही और सलाद भी है ना बनाकर रख दिया है। तो एक तरफ है ना, पहला वाला तो बिल्कुल अच्छी तरह से नहीं फूल पाता है, तो ऐसे ही हमारे साथ होता है। कभी भी मैं कोई पहला चीज़ मैं फ्राई करने के लिए डालूंगी तो वो फूलता नहीं है, तो इसी तरह से हमारे साथ ऐसे ही होता है। तो एक बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। फिर मैं इधर बेल रही हूँ और इधर फिर से मैं फ्राई कर लूँगी। तो ये काफ़ी अच्छा बना था और सभी को मैं एक तरफ निकाल निकाल के दे रही हूँ और सभी लोग इसी तरह से खा रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा बना था। मैं तो बाद में खाई थी क्योंकि है ना मैं सभी लोग को खिलाकर ही खाती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो सभी लोग बोल रहे थे बहुत अच्छा ही बना है। तो इधर हमारे सारे चीज़ बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है। और इधर मैं मॉल गई थी तो उसके बारे में भी मैंने थोड़ा सा वीडियो बना लिया था, तो आप लोग ये वीडियो लास्ट तक देखिए और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। आप ये वीडियो लास्ट तक प्लीज़ देखते जाइए।
चल रही है।